राधे राधे दगड़े, मैं गणेश विशंगुली आठ उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़े अब के रे रोला रफा। फिलहाल पहले तो आप सभी को श्री श्री एक अचाराड़ जनता जनार्दन की जय हो दगड़ियो। आज काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक क्यू एन ए आपके लिए लेके आऊँ। काफी सारे क्वेश्चन थे आपके जिनके उत्तर आप लोग जानना चाह रहे थे और हम बताना चाह रहे थे। फाइनली आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है दगड़ियो। ना जिस दिन कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया हो आप आया, आप लोग ये समझ लेना कि जिस दिन मेरा ब्लॉग ना आए ना उस दिन जो है मेरा धर्मपत्नी के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो गई है। तो जिस दिन झगड़ा हो गया समझ लेना उस दिन ब्लॉग नहीं आ पाएगा दगड़ियो। तो ऐसे ही है फिलहाल। सबसे पहले तो जो जो वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। चैनल में जो नए नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर भी देना दगड़ियो। बेल बटन आकर मिले और दिया एक था। फिलहाल मौसम जो है ना बिल्कुल तगड़ा वाला बना हुआ है। बारिश होप की बारिश हो बरखो उन मरे दगड़ियो। खाली भयंकर डरा रहा है, मतलब मौसम जो है डरा रहा है। बादल लग रहे हैं, हल्के बूंदाबांदी की रही है, फिर बारिश रुक जा रही है। फिलहाल ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। कुछ कमेंट मैंने पढ़े थे और उन सभी के आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आया था इसके लिए तेरे लिए रे कहाँ गया यार दगड़ी हरा गया लो। आपकी स्कूटी का नंबर UK 06 उधम सिंह नगर का है, वहां से कौन है? भाभी है क्या? हाँ। तो तू ही दे आंसर क्योंकि मैं वहीं रहती ना पहले, इसलिए। क्योंकि दगड़ियो पहले ये वहीं रहती थी और बस इसलिए वहीं का है, इसलिए जो है नंबर वहीं का है। इसने जो है वो स्कूटी जो है फ्रॉड करके ली है, ऐसा है। हाँ। पूरे अपने पैसों से लिया दगड़ियो, जॉब करती थी मैं वहाँ पे। फर्स्ट हैंड है और इसने जो है वो फ्रॉड करके नहीं ली है, अपनी मेहनत की कमाई से ली है। तो ये क्वेश्चन भेजा था मैं पूनम फर्तियाल है कोई हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने भेजा था। अगला क्वेश्चन है आजकल निर्मला को याद नहीं कर रहे हो क्या? क्या बात, बीबी आ गई तो निर्मला को भूल गए। जिस दिन जिस निर्मला की वजह से तुम्हारे वीडियो में चार चांद लग जाते हैं तुम उसी को भूल गए। नहीं यार, निर्मला तो यहाँ है, निर्मला को कौन भूल सकता है। निर्मला उदुली अभी ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं आगे से मेरे ऊपर CCTV कैमरा लगा हुआ है जिस वजह से दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ। निर्मला उदुली को कभी भूल नहीं सकता है। वो सब दगड़ियों एक कैरेक्टर हैं जो जिनकी वजह से जिनको कैरेक्टर में लाने से मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। जब भी निर्मला उदुली का नाम आता है दिल भयंकर अंदर से गार्डन गार्डन हो जाता है। अब तो वैसे मेरी निर्मला आ गई है, अब ऐसे धजाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से भी बोलूँ तो ऐसे निर्मला तो सुन लेती है, तो इस वजह से आजकल उन लोगों को थोड़ा सा कम मैं आवाज़ लगाता हूँ। ये क्वेश्चन भेजा था सदन पाथ मोटिवेट क्लास। एक और है गीता मेहरा, आपकी सांस नहीं दिखती है आपके लिए। ये वीडियो तो मैंने बना दी थी परसों दगड़ियो, ये वीडियो में इसने आंसर दे तो दिया था। फिर भी आप बार बार ये क्वेश्चन ना पूछे। कामा क्या नाम है, अरे कामा कश जो भी नाम है, नाम ले पढ़ने उन्हें जरा दगड़ियो सब मिला भी लिखा होगा भयंकर। ये कामाक्षा पाटनी भैया हमारे पास है पीपल और बड़ के पेड़, थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन बेरीनाग में चाहिए तो आपको बताना। हाँ यार क्यों नहीं चाहिए, अब अगली बार मैं बेरीनाग आऊँगा तो होप कि आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ और आपसे जो है पेड़ दे के जाऊँ। पीपल के पेड़ हमारे वहाँ भी हैं पर उखाड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, कहीं उखड़ के वो नहीं लगा तो फिर जहाँ पे लगा था वो भी हमने उखाड़ दिया, फिर वहाँ भी नहीं लगा। इस वजह से पीपल के पेड़ में कम वो करता हूँ। गोली खा लेती हूँ यार मैं। प्रियंका ने कि थोड़ा भाभी को खिलाया पिलाया करो यार, बहुत वीकनेस हो रही है इनको।
दगड़ियों अब मैं क्या करूँ, कैसे खिलाऊँ, पकड़ के थोड़ी खिलाऊंगा मैं जो है। शाम का सुबह नाश्ता बना देता हूँ टाइम से, और दिन में लंच बना देता हूँ, शाम को डिनर बना देता हूँ, तब भी ये नहीं खाती तो मैं क्या कर रहा यार दगड़ियों भयंकर। खैर किचन इसके हाथ में है, तो अब जो मन करे मैं बोलता हूँ कि बना ले खा ले, पर खाती नहीं यार दगड़ियों। क्या हो गया इसको भयंकर, कब खाएगी कहाँ तू, से मैं कमजोर लगती हूँ, कब फिट खाएगी तू हूँ दगड़ियों। जितना मेरा ये है ना ये, उतना इसका ये है मैं, भयंकर। फिट हूँ ठीक है तुम्हारी फिट तरह। नहीं है, कमजोर इतनी है। चल मुझे इतना मोटा होना पसंद नहीं है, मैं पतली ठीक हूँ, मेरे बराबर मुझे मैं वजन, अच्छी लगती हूँ बस, मेरे बराबर वजन उठा मुझे भाई के। मैं अच्छी लगती हूँ बस, डजंट मैटर। डजन मैटर दगड़ियों, इसको इसको ये अच्छी लगती है और बाकी डजन मैटर। और एक क्वेश्चन और था, होगा भाभी जो घर छोड़ के हल्द्वानी क्यों चली गई। हल्द्वानी यार आजकल सभी है, हमने बच्चे पढ़ाने हैं, गांव में कोई फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल्स हॉस्पिटल वगैरह, कल के दिन इसके भी बच्चे हो जाएंगे तो ये भी बोलेगी मैं ये भी बोलेगी मैं भी अपने बच्चों को हल्द्वानी पढ़ाता हूँ। एब्सोल्युटली आदमी यार, आदमी जो है बैल बन जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, उसको औरत की सुननी पड़ती है, फिर इस वजह से बच्चों का अपने भविष्य देखने के सबसे लिए। सीधी सीधी मेरे छोटी को सी बोलने दे, सबसे चुप, मेरे को छोटी अलार्म सी करने देना। आपसे मुझे हाँ बोलनी थी। तो दगड़ियों क्या है, फिर बच्चों का भविष्य देखने के लिए ये सब। अब रक्षित भी बड़ा हो गया था तो वो भी स्कूल जाने लग लग गया था, तो इस वजह से वो लोग हल्द्वानी गए हैं, चले गए हैं मतलब। ये क्वेश्चन था किसका था यार, कुलदीप भट्ट। और भाई ब्लॉग में पहले जैसा मजा नहीं आता है, आप घरवाली के पीछे ही लगा रहता है, क्या करो यार, पहले घरवाली नहीं थी तो अपने दोस्तों के पीछे इधर उधर घूमना फिरना लगा रहता, अब घरवाली आ गई है तो घरवाली को टाइम ना दो, शाम को भैया खाना पीना नहीं मिलेगा, मेरे से अच्छे से बात नहीं होगी। वैसे घरवाली के पीछे अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी तो तब समझ में आएगा, आ जाएगा कि घरवाली क्या चीज़ होती है और घरवाली के पीछे क्यों लगना पड़ता है, वो सब आप सभी लोगों को शादी के बाद पता चलेगा। और जाएं भी कहाँ आजकल, वैसे कहीं जाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो धर्मपत्नी जी के साथ ब्लॉग बनाने में मज़ा भी आता है, तो थोड़ा सा उसी के साथ ब्लॉग हो जाते हैं। आदित्य सुमन भाई ऐसा है, दूसरे की जमीन में बिना पूछे पेड़ लगाएगा तो उखाड़ेगा ही, उल्टा दूसरों को गाली कर रहा है, पीपल भी उखाड़ेगा भाई। ऐसा है दूसरे की जमीन, अगर उस जमीन पे कोई कुछ चीज बोया होता या कहीं कोई घास वास हो रही होती तो मैं उस जमीन पे कभी पेड़ नहीं लगाता, वो जमीन कब से खाली है, लोग आते दूसरों हैं की है बोतल फेंकते हैं, मैं वहां से कचरा साफ करता हूँ, सब कुछ साफ मैं सफाई रखता हूँ, और मैंने वहां पे कुछ पेड़ लगा दिए तो क्या गलत कर दिया मैंने, बताओ क्या क्या गलत कर दिया। अब मैंने बंद कर दिया वहां पे, अब मैं वहां पे पेड़ नहीं लगाऊंगा, जिसको जो करना है वो करे वहां पे, हैगे मूते जो भी करना है करे, पर मैं अब वहां पे ना सफाई करूंगा ना पेड़ लगाऊंगा, अब मैं पेड़ अपनी जमीन पे लगाऊंगा, जहां पे भी अपना होगा वहां पे पेड़ लगाऊंगा। और काफी लोगों को शायद ये भाई भी जल रहा होगा मेरे से कि दूसरे की जमीन में ऐसे ऐसे पेड़ वैसे भी लगाए, वो क्या दूसरे करें की यार जमीन नहीं, वो भयंकर। सार्वजनिक जमीन है ठीक है, जंगल किसी का नहीं होता, सबका होता। आशा देवी हेलो दा, कैसे हो आप, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग देख रही हूँ, मेरा बेबी हुआ है, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद दा, आपको बधाइयाँ बेबी होने की, जो भी है मतलब बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंग्लिश में नहीं, तेरे को पहाड़ी बोलनी नहीं आती क्या। एक कमेंट तो और क्या हो है, गया, आपकी बीवी को पहाड़ी बोलनी नहीं आती है क्या, पर पहाड़ी बोलती है दगड़ी, और फर्राटेदार पहाड़ी बोलती है। एक्चुअली क्या है, इनके वहाँ की पहाड़ी थोड़ी सी अलग है, हमारे वहाँ की पहाड़ी से थोड़ी सी टोन टोन मतलब अलग है, तो जब हम पहाड़ी में बोलते हैं तो इसको कम समझ में आता है, जब ये पहाड़ी बोलती है तो हमको कम समझ में आता है, इसीलिए जो है ये मैं अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती हिंदी हूँ। में बात करना पसंद करती है। खैर मैं इसको बोलता, अब बोलूंगा कि आगे से कुछ कुछ वर्ड जो है पहाड़ी के यूज किए जाए, क्योंकि पहाड़ी जो है ना अपनी भाषा भयंकर गजब बिला था, ये पहाड़ी बोलने में जो रंगत होने वो भयंकर, क्या मैं रंगत ना हूँ। फिलहाल ऐसा है, ये क्वेश्चन आया था, और एक लास्ट क्वेश्चन और दगड़ियो, उसके बाद जो है टाइम नहीं है, बहुत टाइम खा दिया आपका। काका आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप गंगोली हाट के हैं, एक गंगोलिया 100 रंगोलिया, इसका क्या अर्थ है मेरे को बताइए। ये कमेंट रिसेंट में आई है, तो इसका मतलब ये होता है, एक गंगुलिया 100 रंगोलिया, मतलब हमारे कुमाऊनी में बोलते हैं एक गंगुल और
क्या बोलते हैं यार, एक गंगुल 100 रंगुल, मतलब एक गंगुली आर्ट का एक लड़का 100 लोगों के बराबर होता है। मतलब एक गंगुली आर्ट का लड़का 100 लोगों को बुद्धू बना सकता है, 100 लोगों से ज़्यादा चालाक होता है, मतलब चतुर संचल चालाक होता है, तभी बोलते हैं एक गंगुल 100 रंगुल। होप कि आपको समझ में आया होगा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं आया तो और कैसे समझाया जाए। मतलब एक गंगुली आर्ट का जो एक बंदा होता है वो 100 लोगों को मार सकता है, मार नहीं सकता यार। रंगोलिया का क्या मतलब है? मार नहीं सकता, कोई भयंकर भीम है वो, भयंकर मारता नहीं आता कड़ी गंगोली आर्ट। मतलब 100 लोगों से ज्यादा उसकी, 100 लोगों से ज्यादा उसकी बुद्धि तेज होती है, मतलब वो 100 लोगों को चूतिया बना सकता है। आप ये कह सकते हैं रंगोलिया मतलब जैसे कि किसी के साथ भी, हाँ मतलब किसी को भी, हाँ वही है दगड़ियों, जो भी आप समझो। फिलहाल ये कुछ बहुत कमेंट थे जो आज हमने लिए। अब अगला क्यों नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि हर महीने एक एक जो है क्यों नहीं हम आपके सामने लेकर आए, जिसके लिए आपके क्वेश्चन को हम देखते रहेंगे और कमेंटों का रिप्लाई कर नहीं पाते हैं हम ऐसे ही हो जाता है, टाइम कम है, गृहस्थी भी संभालनी है हमको। कमेंटों का रिप्लाई पढ़ते जरूर हैं कमेंट, और हार्ट रिएक्ट भी कर देते हैं, जो कमेंट अच्छी लगती है उसका स्क्रीनशॉट जैसे आज लिए थे ऐसे लेकर रख लेते हैं। जिस दिन हमको टाइम मिलता है आपके कमेंटों का जवाब देने का, तो ऐसे क्यू एन ए वीडियो के उससे हम जवाब देते हैं। बाकी हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दगड़ियों कल, बाय बाय। चलो हम जा रहे हैं।